नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। आज मैं आपको ऐसे तीन आसनों के बारे में बताऊंगा योग के, जिनको करके आप अपने पेट के फैट को कम कर सकते हैं। कई बार तरह तरह की एक्सरसाइज करने के बाद भी पेट का फैट नहीं जाता, और जब मोटापा बढ़ता है शरीर पर तो सबसे पहले पेट के ऊपर ही आता है, पेट या हिप्स। तो आज हम पेट की बात कर रहे हैं, पेट के फैट को आप कैसे कम करें। केवल तीन आसनों को यदि आप नियम से प्रतिदिन अभ्यास करें। ये तीन आसन कौन से हैं मैं आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखें और श्वास का विशेष ध्यान रखेंगे इन आसनों को करते हुए। तो पहला आसन नौकासन। नौकासन में हम सीधा शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे, इस प्रकार से बिल्कुल सीधे लेट जाएं और अपने हाथों को थाइज पर रखेंगे। श्वास लेते हुए दोनों लेग्स को 1 फीट की ऊंचाई पर उठाएंगे जमीन से, और इसी प्रकार से अपर बॉडी को भी 1 फीट की ऊंचाई पर। आपके हाथ आपके घुटनों से ऊपर आ जाएंगे इस प्रकार से। आपका ध्यान पेट के ऊपर, आपकी दृष्टि आपके पैरों के अंगूठों पर। इस प्रकार से होल्ड करते हुए फिर धीरे से वापस आ जाए। तो ये नौकासन, इसमें आपने देखा नौका के तरह बॉडी की आकृति हो जाती है। दूसरा आसन हम करेंगे दीर्घ नौकासन। दीर्घ नौकासन में आप दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, हाथों को लॉक करें, श्वास लेते हुए दोनों लेग्स को उठाएंगे, अपर बॉडी को उठाएंगे 1 फीट की ऊंचाई पर। इस प्रकार से वापस आ जाएंगे। तो ये आपने किया दीर्घ नौकासन। दीर्घ नौकासन ये सब पेट के फैट को कम करते हैं, आपके पाचन तंत्र को ठीक करते हैं ये अभ्यास। तीसरा आसन है दंडासन। दंडासन में अपने दोनों एल्बो को नीचे टच करें, पैरों को मिलाएं, घुटनों को नीचे टच करें। अब धीरे से अपने घुटनों को सीधा कर दें और हिप्स को नीचे की ओर ले जाएं। दृष्टि सामने रहे आपकी। इस प्रकार से अपने कोहनियों और पैरों के पंजों पर आप अपनी पूरी बॉडी के वेट को ले आए, पूरा ध्यान अपने पेट के भाग पर। इन तीनों अभ्यासों को आपने देखा, इन अभ्यासों को आप हर अभ्यास को 5 बार जरूर करें। 5 बार से धीरे धीरे बढ़ाकर 10 बार तक ले जाएं और 10 सेकंड हर अभ्यास को होल्ड करें 1 बार। समय बढ़ाते जाएं, जितना आप होल्ड अधिक से अधिक करेंगे उतना ज्यादा आपका फैट डिजोल्व होगा। तो कम से कम 21 दिन 3 वीक इन अभ्यासों को करें, तीनों अभ्यास को 3 वीक करें। साथ में आप अपने आहार पर भी कंट्रोल करें। आहार में आप रात का जो भोजन है उसमें आप केवल आधी रोटी और हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें। दोपहर के भोजन में भी आप जो जितनी रोटी आप अभी तक खा रहे थे उसका हाफ कर दें। कच्चा सैलेड जो है आप बढ़ाएं अपने खाने में, लंच में सलाद का प्रयोग ज्यादा करें। पानी की मात्रा आप अधिक से अधिक लें, जितना आपका वेट है। यदि आपका वेट 70 केजी है तो उसे आप 10 से डिवाइड करके 7 लीटर पानी मैक्सिमम आप गर्मियों में पी सकते हैं। सर्दी का मौसम है या अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा इसे कम भी कर सकते हैं, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। दूसरा, आप अपने चीनी की मात्रा को भी कम करें। चीनी यदि आप हर रोज 2 चम्मच चीनी लेते हैं, आप चाय पीते हैं, दूध पीते हैं या कोई भी मिठाई, तो आप अपने चीनी की मात्रा को भी कम से कम आधी कर दें। यदि आप 2 चम्मच खा रहे थे तो 1 चम्मच पर आ जाएं, और हो सके तो गुड़ या शक्कर का प्रयोग करें। चीनी फैट को बढ़ाती है, सैचुरेटेड फैट चीनी में ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, तो आप चीनी का कम से कम प्रयोग करें। तो अपने आहार
पर आप कंट्रोल करके, इन तीनों अभ्यासों को करके आप अपने पेट के फैट से मुक्ति पा सकते हैं, अपने पेट को फ्लैट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आयुर्वेद, योग और लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारियां हम आपको देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। बेल आइकन को जरूर आप प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।